At this hub of civil services aspirants in Lucknow, young job seekers are hopeful that this year's budget will bring new opportunities for them. 24-year-old Adesh Pratap, for instance, is a reluctant UPSC candidate, giving up on his dream of a military job after the announcement of the Agniveer scheme. देख रहा हूँ हर साल साल बर साल ये होता जा रहा है कि वैकेंसी जो है सर गवर्नमेंट जॉब के लिए वो कम होती जा रही हैं, तो इसलिए हम लोग के छात्रों के मन में निराशा है को हमारी जो पद खाली पड़े हुए हैं जिन पर वैकेंसियां नहीं होती हैं, जैसे कि हम देखें रेलवे अदर पीएसयूज हो गए या फिर बाकी गवर्नमेंट पोस्ट हो गई, तो उनमें सुधार करे जाए ताकि वैकेंसी ज्यादा से ज्यादा भर पाई जाए. Staying at a student's hostel in another part of the city, 28-year-old Amendra has a similar story. He would have been in the engineering services, he says, only if the railway sector had not cut its vacancies. 3-4 lakh rupees, मतलब coaching को fees दिए और preparation की एक साल तक, और फिर क्या हुआ कि vacancy खत्म हो गई और railway की तरफ कोई focus ही नहीं, तो हम लोगों थोड़ा घर पे आके बहुत बुरा लग रहा था कि पैसा भी चला गया और lockdown लग गया, अब तो आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा था. फिर हम job ढूंढने लगे क्योंकि लॉकडाउन था, तो ऑनलाइन ही ढूंढ रहे थे जॉब कहीं मिल जाए 2-4-5 हज़ार की. फिर हमने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की करना. अच्छा. और फ्रीलांसिंग करते रहे तो लॉकडाउन में, फिर एक साल पूरा ऐसे ही चला गया लॉकडाउन में, तो हम फ्रीलांसिंग करते गए और धीरे धीरे करके उसमें ग्रोथ की हमने. मतलब सपना था कि बीटेक करने के बाद इसी सेक्टर में रहेंगे, इंजीनियरिंग सर्विस में जाएंगे. जब ओवरऑल उसकी वैकेंसी कंपेयर की तो ऑल ओवर इंडिया 20 से 30 वैकेंसी अभी भी जो आती है, 20 से 30 वैकेंसी है मैकेनिकल से. गवर्नमेंट से यही अपील होगी कि हम लोग डिफेंस के सेक्टर में और जो आप इसरो है इसमें ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर यही है हम लोगों का. जो हम नई टेक्नोलॉजी, जितना ज्यादा हम टेक्निकल बैकग्राउंड में जितना ज्यादा हम आगे होंगे, क्योंकि डिमांड सबसे ज्यादा फ्यूचर में टेक्निकल चीजों की रहेगी. Sources say that this year's budget is likely to focus on creation of jobs for the gig economy. Youngsters with degrees, however, are less willing to work as gig workers. मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को इस समय सेल्फ रिलायंस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स उस लेवल पे नहीं क्रिएट हो सकती है. इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट. सर, गिग इकोनॉमी में हम लोग ने ज्यादातर देखा है कि उनके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है. दे आर ट्रीटेड लाइक दे आर लेबर. मेरे हिसाब से कि हम लोगों को टेक्निकल सेक्टर में थोड़ा ज्यादा जो भी करना चाहिए इन्वेस्ट करना चाहिए. While the government is looking to support entrepreneurs and gig workers with loans, young professionals are expecting creation of jobs and investment in tech and innovation in the upcoming budget. In Lucknow, with cameraperson Vineet Vedant for NDTV.